दरअसल जो विक्रम लैंडर है उसने दर्ज किया है चंद्रमा पर कंपन, ऐसी जानकारी सामने आई है। 26 अगस्त, जी हां 26 अगस्त को दर्ज किया गया ये पूरा कंपन। 5 सेकंड्स तक कंपन को दर्ज किया गया है। कंपन पर जो रिसर्च है वो इसरो टीम्स की लगातार हो रही है। इस कंपन को भूकंप जैसा कंपन बताया जा रहा है। 5 सेकंड तक इस कंपन को दर्ज किया गया है और जो रिसर्च टीम है इसरो की वो लगातार इस पर रिसर्च कर रही है। और इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात, जुड़ चुके हैं प्रणय उपाध्याय हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग प्रणय। प्रणय, 26 अगस्त को इस कंपन को दर्ज किया गया है, लगभग 5 सेकंड्स तक इस कंपन को दर्ज किया गया है, क्या इनपुट सारे हैं? इसरो की रिसर्च टीम लगातार जानकारी जुटा रही। गुड मॉर्निंग दीदी, निश्चित रूप से जो डेटा शेयर किया है इसरो की टीम ने, और करीब 26 अगस्त का वक्त था जब ये कंपन दर्ज किया गया, और लगातार जो इल्सा है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी जो कि लगाया गया है लैंडर के अंदर, जो कि हर छोटे से बड़े कंपन को दर्ज कर रहा है, उसने 25 अगस्त को जो रोवर के मूवमेंट से कंपन हुआ था उसे भी दर्ज किया था। लेकिन उसके बाद 26 अगस्त को करीब 5 सेकंड तक चलने वाली ये जो लूनर एक्टिविटी थी, लूनर सिस्मिक एक्टिविटी कहा जा सकता है इसे, ये दर्ज की गई, यानी धरती पर कंपन हुआ चंद्रमा की जमीन के ऊपर। और कारणों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है, क्योंकि आप जानती ही हैं कि लूनर एक्टिविटी के अंदर कई बार जो उल्कापिंड गिरते हैं उनसे भी कंपन होता है, जो अंदर भूगर्भीय गतिविधियां हैं उनसे भी चंद्रमा पर कंपन हो सकता है। हालांकि एक ही कंपन दर्ज किया गया इस कंपन के, या कहा जाए चंद्रमा के इस भूकंप से, फिलहाल लैंडर पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी को तरीके का कहीं कोई क्षति नहीं कही जा सकती है। ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसने उसे दर्ज किया है, और लगातार ये बताता है कि किस तरीके से जो चंद्रयान 3 है उस पर लगातार एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। कल रंभा का डेटा भी शेयर किया था, इसके अलावा जो चेस्ट उपकरण लगा हुआ है उसका जो डेटा है वो भी शेयर किया गया था, यानी किस तरीके से चंद्रमा की सतह के ऊपर तापमान का अंतर होता है, किस तरीके से प्लाज्मा एक्टिविटी है, रंभा ने ये साझा किया, किस तरीके से जो केमिकल कंपोजिशन है सोडियम का पाया जाना और साथ ही अन्य धातुओं का पाया जाना, वो भी एक्सपेरिमेंट लगातार हुए। और अब जो लूनर एक्टिविटी है उसके उसकी जो खगोलीय स्थिति है, भूगोलीय स्थिति है, उसके संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है और उम्मीद की जा रही है। और क्योंकि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है इसरो के लिहाज से अगर निधि बात करें तो, क्योंकि आज से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, और ये काउंटडाउन जो है कल आदित्य मिशन जब लॉन्च होना है 11:50 पर, तो उसका जो काउंटडाउन है वो आज शुरू हो जाएगा। बिल्कुल प्रणय, इन शॉर्ट में जानना चाहूंगी जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज के साथ सुबह सुबह जुड़ रहे हैं, इसरो ने जो डिटेल साझा की है 5 सेकंड्स के इस कंपन की, इन शॉर्ट ये एक यूजुअल एक्टिविटी का हिस्सा है या एक अनयूजुअल एक्टिविटी है जिसको दर्ज किया गया? रिसर्च टीम लगातार प्रयासरत है कि डिटेल्स को जुटाए, क्या डिटेल्स, क्या इनपुट अभी तक सामने आए? मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप संक्षेप में समझाएं। देखिए, चंद्रमा की सतह के ऊपर भूकंप आते रहते हैं, ये जानकारियां जो अंतरिक्ष वैज्ञानी है उनके पास है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि कितने क्षण का भूकंप आया, यानी इससे पता लगता है कि चंद्रमा की जमीन कैसी है। तो 26 अगस्त को ये भूकंप दर्ज किया गया, करीब 5 सेकंड तक ये चंद्रमा का भूकंप चलता रहा, लैंडर के अंदर लगे हुए उपकरण ने इसे दर्ज किया है, और ये जो सिस्मिक एक्टिविटी है ये चंद्रमा के बारे में और जानने और समझने के अंदर मदद करेगी कि किस तरीके से वहां पर भूकंप आते हैं, और उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। हालांकि ये नेचुरल, जो आपने पूछा सवाल कि क्या ये सामान्य गतिविधि है, निश्चित रूप से भूकंप जो है वो प्राकृतिक होते हैं, भूकंप आते रहते हैं, लेकिन धरती का कोई भी कंपन जो है, क्योंकि धरती जमीन जो है वो स्थिर होनी चाहिए, धरती के अंदर यदि कंपन हुआ है तो कोई ना कोई ऐसी चीज हुई है जिसके कारण ये कंपन हुआ है, उसी का अध्ययन किया जा रहा है, जो कि चंद्रमा की सतह जो है धरती की अपेक्षा सारी डिटेल इनपुट साझा किए हैं। देखिए ये बड़ी खबर है, प्रणय उपाध्याय आपका बहुत शुक्रिया सुबह सुबह ये जो बड़ी खबर आई उस पर सारी डिटेल जानकारी देने के लिए। बहरहाल मैं फटाफट आपको बताती हूँ, विक्रम ने यहाँ पर चंद्रमा पर कंपन को दर्ज किया है, 26 अगस्त वो तारीख है जब इस कंपन को दर्ज किया गया 5 सेकंड्स तक। Z News.